स्कॉर्पियो एन का ना मैंने आपको इससे पहले ZZ वेरिएंट दिखा दिया था, पर ये है इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट। भाई कंपनी ने ये चीज इतनी अच्छी नहीं कर रखी कि ऑटोमेटिक वेरिएंट में तो आपको अलॉय व्हील्स देती है, पर यार इसका मैनुअल में लेते हैं ना वहाँ पे अलॉय व्हील्स नहीं आते, वहाँ पे स्टील रिम ही देते हैं। एटलीस्ट यार ZL की तो नहीं कर देते कि 17 इंच के अलॉय व्हील्स दे देते, पर यहाँ पे ये चीज भाई मेरे को अच्छी नहीं लगी। ऑटोमेटिक में तो 18 इंच दे दी, चलो वहीं पे आपके 50-1000 रुपए एक्स्ट्रा बढ़ा देते, पर अलॉय व्हील कंपनी से आ जाते हैं ना वो चीज ही अलग रहती है। व्हील कवर्स में आने के बाद यार इतनी भारी भरकम गाड़ी में मुझे तो पसंद नहीं है। बाकी अपनी गाड़ी आएगी तब मैं यही कोशिश करूंगा कि मैं घर ले जाने से पहले उसके अंदर 18 इंच के अलॉय व्हील और टायर सब कुछ बदलवा के घर लेके जाऊं। बाकी टाइम बताएगा भाई टाइम पे क्या होता है क्या नहीं होता है। अब इस Z8 वेरिएंट के अंदर में आप की देखोगे ना, लॉक अनलॉक और इसकी टेलगेट को ओपन करने के लिए स्विच मिलते हैं, और जो दूसरी की है ये भी रिमोट वाली ही मिलती है, डम्मी इसके अंदर में नहीं आती है। जैसे मैं इसकी की को लॉन्ग प्रेस रखूंगा ना इसके अनलॉक बटन को, तो क्या होगा इसकी जो विंडोज हैं वो रोल डाउन हो जाएगी और जो सनरूफ है वो भी इसकी ओपन हो जाएगी। और जैसे मैं इस विंडो को इसके बटन को ना लॉन्ग प्रेस रखूंगा इसके बंद वाले को, तो क्या होगा भाई जो इसकी विंडोज हैं रोल अप हो जाएगी और जो इसकी सनरूफ है वो भी यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। तो ये चीज़ इसके अंदर में बहुत ज़्यादा बढ़िया सी मिल जाती है। और भाई एक और चीज़ है, जैसे मैंने इसके लॉन्ग प्रेस रख के विंडोज़ तो रोल डाउन हुई और सनरूफ तो खुली खुली, और ऊपर से भाई यहाँ पे इसका जो ब्लोवर्स हैं वो भी ऑन हो गए हैं। तो इससे क्या होगा भाई जो गाड़ी के अंदर गर्मी बनी हुई है ना सारी एकदम फटफट आपकी बाहर निकल जाएगी। पर इसका ना इंजन यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ है। अब इसके अंदर देखोगे जो गाड़ी की हेडलाइट्स मिलती है पूरी LED वाली मिलती है, लो बीम इसका प्रोजेक्टर काम करता है बट यहाँ हाई बीम LED दे रखा है। सिक्वेंशियल गाड़ी के अंदर में इंडिकेटर्स आ जाते हैं। फ्रंट में जो इसकी ग्रिल है पूरी आपको क्रोम के साथ मिल जाती है, बट इस Z8 वेरिएंट के अंदर में कोई आपको फ्रंट में कैमरा नहीं मिलता है, और ना ही इस वाले वेरिएंट के अंदर आप देखोगे तो कोई पार्किंग सेंसर्स भी नहीं मिलते हैं। बट फॉग लाइट यहाँ पे मिल जाती है DRLs वाली, जो कि पूरी DRLs तगड़ी तरीके से काम करती है जैसे कि इसका टॉप एंड वेरिएंट काम करता है। विंडो के नीचे यहाँ पे क्रोम लाइन भी मिल जाती है, जो गाड़ी के डोर हैंडल्स हैं ये भी क्रोम के साथ मिल जाते हैं, और रिक्वेस्ट सेंसर भी ड्राइवर साइड पैसेंजर साइड दोनों साइड मिल जाता है। नीचे सिल्वर फिनिश भी यहाँ पे मिल जाती है, फुटस्टेप्स पूरे ब्लैक वाले मिलते हैं, रूफ रेल्स यहाँ पे सिल्वर फिनिश मेटल के साथ में मिल जाती है, और सनरूफ का तो मैंने बता ही दिया था। शार्क फिन का एंटीना गाड़ी के अंदर मिल जाता है, और जैसे आप इस गाड़ी की फ्यूल लीड खोलना चाहते हो तो बाहर से दबाने से ओपन हो जाती है। ये सारी चीज़ तो बड़ी बेसिक है। अब देखो भाई मैंने जितनी भी स्कॉर्पियो देखे ना मोस्टली गाड़ियाँ क्या है डीजल के साथ में ही आ रही है, और DEF भरने के लिए यहीं से ही दिया हुआ है, मतलब पेट्रोल में ना इस गाड़ी को कम ही लोग परचेज कर रहे हैं बट कम कर रहे हैं। अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं आपको 18 इंच के इसके Z8 वेरिएंट ऑटोमेटिक में, जिनका सेक्शन रहता है 255/60R16 इंच का। फ्रंट एंड रियर दोनों यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक भी मिल जाते हैं। ORVMs क्या है इसके इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और रिट्रैक्टेबल दोनों फंक्शन के साथ मिल जाते हैं। जैसे मैंने गाड़ी को लॉक कर दिया ना तो इसके ORVMs ना ORVMs फोल्ड हो जाएंगे, बट अनलॉक करने पर ये अनफोल्ड नहीं होंगे। जब मैं गाड़ी की इग्निशन ऑन करूंगा तब जो इसके ORVMs हैं ओपन हो जाएंगे। अब Z8 मैनुअल और Z8 ऑटोमेटिक कंपेयर करोगे ना तो सिर्फ जो इसके अलॉय व्हील्स है यही चीज़ इसके अंदर में एक्स्ट्रा मिलती है। पीछे की तरफ में यहाँ पे डिफॉगर और वाइपर दोनों चीज़ें मिल जाती है, हाई माउंट स्टॉप लैंप भी यहाँ पे मिल जाता है, और जो कैमरा है वो भी इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है, जिसकी क्वालिटी मैं आपको अंदर जाके दिखा दूंगा कैसी मिलती है। और जो रिक्वेस्ट सेंसर है पीछे वाले डोर पे भी मिल जाता है गाड़ी को लॉक एंड अनलॉक करने के लिए। नीचे की तरफ में क्रोम फिनिश भी मिल जाएगी, सिल्वर फिनिश की मतलब क्लैडिंग्स भी यहाँ पे मिल जाएगी। जो स्पेयर व्हील है अलॉय व्हील्स इसके अंदर में नहीं मिलता है, और भाई मस्त यार ये ब्लैक कलर के साथ में दे रखे हैं। मैंने इसके ZL वेरिएंट में देखा था वहाँ पे क्या था ये ब्लैक कलर में नहीं दे रखा, मतलब पेंटेड नहीं था, वहाँ पे सिल्वर फिनिश के साथ में ही दिया गया था। अब इसके बूट स्पेस में भी कंपनी ने इम्प्रूवमेंट करके भेज रही है, वो क्या इम्प्रूवमेंट है जैसे देखो जो ये वाली लिप है ना, पहले क्या थी जो पहले प्रोडक्शन वाली गाड़ी थी ZL उनके अंदर क्या था यहाँ पे मतलब इतना स्पेस था, पर अब ये बिल्कुल लेवल सेम है यहाँ पे कर दी गई है। अगर इसकी सीट को डाउन मारता हूँ ये देखो, और यहाँ से कट टूट जाएगी, अब अच्छे से पता चल जाएगा, देखो बिल्कुल लेवल में यहाँ पे हो चुकी है। और यहाँ पे सबवूफर नहीं मिलता है, सिर्फ आप लगवा सकते हो बाहर से सबवूफर लगवाना चाहते हो तो। ऊपर की तरफ में रीडिंग लैंप्स भी गाड़ी के अंदर मिल जाती है, बट यहाँ पे कोई आपको 12 स्पीकर वाला अरेंजमेंट नहीं मिलता है इस गाड़ी के अंदर में, सिर्फ आपको 4 स्पीकर और 2 ट्विटर्स इसके अंदर मिलते हैं। और जो डोर हैंडल्स हैं भाई यहाँ पे सिल्वर फिनिश के साथ में मिल जाते हैं। अब दिखाता हूँ गाड़ी के इंटीरियर्स में क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। अब देखो मैंने इसका टेलगेट ओपन किया था ना, वैसे सिर्फ बटन दबा के गाड़ी को अनलॉक किया था, तो टेलगेट बंद करते के साथ ही गाड़ी अपने आप ही लॉक हो चुकी है। अब इसको अनलॉक करता हूँ, यहाँ पे देखो
पूरा लेदर का वर्क यहाँ पे मिल जाएगा, चारों पावर विंडो की स्विचेज हैं और यहाँ पे पियानो फिनिशिंग मिलती है, सिल्वर फिनिश डोर हैंडल्स है और ये वाले डोर हैंडल से पकड़ के बंद करने वाले ये भी आपको सिल्वर फिनिश के साथ में मिलते हैं। चार स्पीकर चारों डोर्स पर और दो ट्विटर्स के हैं, आगे की तरफ में प्लेसमेंट मिलेगी। ZL से इसके अंदर कम क्या मिलता है भाई, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट नहीं मिलती है, पर यहाँ पे लेदर अपोलिस्ट्री की सीट कवर गाड़ी के अंदर में आ जाती है जो कि बहुत बढ़िया से मिलती है। यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच भी गाड़ी के अंदर मिल जाता है, लाइट लेवलिंग के लिए यहाँ पे कंट्रोल भी जो है मिल जाते हैं। और जो इस गाड़ी का एक मिनट ऑन करता हूँ इसको, पहले देखो मैंने ऑन किया तो इसके ORVM जो है ओपन हो गए। स्पीकर की क्वालिटी भी मैं आपको चेक कर रखी है, मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं कि कैसी इसके अंदर में आ जाती है। जो इस गाड़ी का स्टेयरिंग व्हील है ना भाई, ये आपको फ्लैट बॉटम मिलता है और ये लेदर रैप में आ जाता है। यहाँ पे पियानो फिनिश मिल जाती है, ये देखोगे अगर बंद करता हूँ इसकी हवा को, ओफो म्यूजिक सिस्टम के यहाँ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, क्रूज कंट्रोल और इसके MID के कंट्रोल्स भी यहीं पे ही मिल जाते हैं। और क्या है, ऑटो हेडलैम्प भी गाड़ी के अंदर में आ जाती है और ऑटो वाइपर भी गाड़ी के अंदर में मिल जाते हैं। इसके अंदर इन्फॉर्मेशन देखोगे ना तो एक आपके ड्राइवर डोनेस डिटेक्शन आती है, वो इसके अंदर में बस कम मिलती है और सारी चीज़ें ही इसके मीटर में मिल जाती हैं। और ना वो TPMS भी जो है आप लोग को मिल जाते हैं, दिखाता हूँ। व्हीकल इन्फॉर्मेशन में गया और मैं यहाँ से नीचे देखो TPMS बिल्कुल आगे आ गया, जो कि आपको Z6 वेरिएंट के अंदर में नहीं मिलता। और यहाँ पे ना मैप भी चल जाता है आपका, टैकोमीटर स्पीडोमीटर दोनों चीज़ें एनालॉग के अंदर मिलती है, टच स्क्रीन डिस्प्ले ZL वाली एड्रेनोक्स भी इसके अंदर में मिल जाता है। और बैक कैमरे की क्वालिटी दिखाता हूँ आपको, देखो ये देखो अभी मक्खी उड़ गई, अब इसके अंदर में अपडेट हो चुका है, अब ये भाई लैग नहीं मारता है और क्वालिटी भी ठीक ठाक सी मिल जाती है। पर अब जो स्कॉर्पियन आ रही है ना, स्कॉर्पियन नहीं जो सफारी आ रही है, अब जो उनके अंदर जो कैमरा क्वालिटी काफ़ी बढ़िया से मिलती है। यहाँ पे आपको क्रोम भी मिल जाएगा, पियानो फिनिश भी और सिल्वर फिनिश का भी यूज़ मिल जाएगा, जो कि आपको Z6 वेरिएंट के अंदर नहीं मिलता है। ड्यूएल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल गाड़ी के अंदर में आ जाता है, ड्राइव मोड्स हैं, हिल डिसेंट, ट्रैक्शन कंट्रोल, हैजार्ड लैंप के लिए, आइडल इंजन ऑन एंड ऑफ, और एक यहाँ पे SOS का मिल जाता है। गियर नॉब देखने में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का भाई बढ़िया से मिलता है। यहाँ पे कोई पियानो फिनिश नहीं आती है, पर एक्सेसरीज में मतलब बाहर से आप लगवा लेना करोल बाग से कहीं से भी, आर्म रेस्ट आपको लेदर वाला मिल जाता है, इसके अंदर स्पेस तो ही है, कुछ भी नहीं मिलता है। यहाँ पे भी जो है आपको पूरा लेदर का वर्क मिलेगा, डबल स्टिचिंग के साथ लेदर ही है ये इतना। और यहाँ पे स्कॉर्पियन भी बिल्कुल बढ़िया से तरीके में लिखा हुआ है, ग्लोव बॉक्स कूलिंग फंक्शन के साथ है और LED में लैम्प भी इसके अंदर मिल जाते हैं, मैनुअल IRVM यहाँ पे मिल जाता है और सनरूफ भी आप लोग को गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं, जो कि वन टच फंक्शन के साथ में इसके अंदर में आती है। ग्लास होल्डर भी मिल जाते हैं यहाँ पे, सनग्लास होल्डर, और पैसेंजर साइड सनवाइजर में मिरर है, और जैसे मैं ओपन किया ऊपर की लाइट भी जो है यहाँ से ग्लो हो गई। और ड्राइवर साइड सनवाइजर में यहाँ पे टिकट होल्डर मिलता है, क्वालिटी में बिल्कुल बढ़िया सी यहाँ पे मिल जाती है। अब दिखाता हूँ मैं सेकेंड रो में इसके अंदर में क्या किस चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे वही है भाई, लेदर का वर्क मिल जाएगा, यहाँ पे पियानो फिनिश दी गई है, पर जैसे आप ये ऊपर वाला पार्ट देख रहे हैं ना, ये इसके अंदर में हार्डी मिलता है, सिल्वर फिनिश डोर हैंडल्स है और ये डोर हैंडल्स है, सिल्वर फिनिश है। नीचे सिर्फ स्पीकर है, ऊपर कोई ट्विटर जो है इसके अंदर में नहीं मिलता है। बटन कैरी करने के लिए होल्डर मिल जाता है, रेक्लाइन कर सकते हो आगे पीछे तो नहीं कर सकते, ये तो भाई आपको बिल्कुल अब पता ही होगा। यहाँ पे क्या है, सिल्वर फिनिश आ जाती है जो कि Z6 में नहीं आती है, एयर के वेंट है और सी टाइप के सॉकेट है चार्जिंग के लिए, और एयर फ्लो को भी कहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। और पीछे से कुछ ऐसा लगता है इस Z8 का इंटीरियर्स देखने में। इस गाड़ी के अंदर पता है क्या, 6 एयरबैग्स आप लोग को मिल जाते हैं, और यहाँ पे भी क्या है, रीडिंग लैंप मिल जाती है जो कि LED में आती है। दो इंजन आ जाते हैं, पेट्रोल डीजल, ये डीजल इंजन है 2.2 लीटर का, माइलेज तो जो है इस गाड़ी की काफ़ी अच्छी सी आप लोग को मिल जाती है। अगर आप इसके इग्निशन ऑन है और जो इसकी चाबी है ना बाहर लेके आ गए, इस वजह से ये इंडिकेशन दे रही है। अगर आप इसके और वेरिएंट देखने चाहते हैं ना Z6 Z4, तो वो भी मैंने अपने चैनल पर डाल रखे हैं, वो भी आप जाके देख सकते हैं। इस आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। बाय बाय।